Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं Infinix के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाला हूं कि Infinix की हॉट सीरीज के कितने स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं एंड नॉट सीरीज के कितने स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। वैसे आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक खुशखबरी है कि भाई Infinix की हॉट सीरीज का एक फोन पाकिस्तान में मिड ऑफ जून लॉन्च कर दिया जाएगा। वो कौन सा स्मार्टफोन और कितने स्मार्टफोन Infinix की तरफ से पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं, ये सारा कुछ इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं और साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में आएंगे तो भाई इस चैनल के ऊपर आप लोगों को अनबॉक्सिंग मिल जाएगी। पहले स्मार्टफोन की बात करूं तो भाई ये है Infinix Hot 30 Play जिसको मिड ऑफ द जून पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो भाई 6.82 इंच के एक आईपीएस पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, बैक पर 16 मेगापिक्सल डुअल कैमरास दिए जाते हैं, एंड्रॉइड 13 आता है। इसके अलावा मीडियाटेक हीलियो G37 प्रोवाइड किया जाएगा। 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट है, 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट भी है, साथ में आपको 4GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड है, 6000mAh की बैटरी के साथ 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और यह स्मार्टफोन अगले महीने के मिड तक लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि जून के मिड तक लॉन्च हो जाएगा। हो सकता है कि भाई इसी के साथ Infinix का Hot 30 भी लॉन्च कर दिया जाए, वरना हो सकता है कि भाई 15 दिन छोड़कर या फिर एक महीना छोड़कर Infinix का Hot 30 भी पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाए। डेफिनेटली पाकिस्तान में ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। खैर, अगला स्मार्टफोन हमारा Infinix Hot 30 है। प्राइस की बात रह गई है, फिलहाल प्राइस का कोई भी आइडिया नहीं है। Infinix Hot 30 Play जो है वो मेरे ख्याल में कुछ 40,000 की रेंज में लॉन्च किया जाएगा, जबकि Hot 30 जो है वो ऑलमोस्ट 45,000 से 50,000 के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। खैर, हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो भाई Hot 30 में 6.78 इंच के एक आईपीएस पैनल है, 1080p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास दिए गए हैं, एंड्रॉइड 13 है, मीडियाटेक हीलियो G88 वाला चिपसेट मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस है और परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है। फिलहाल पाकिस्तान के लिए नहीं, ग्लोबली मार्केट के लिए एक ही वेरिएंट सामने किया गया है जो कि है 8GB रैम 256GB रोम वाला। पाकिस्तान में हो सकता है कि भाई 6GB रैम 128GB रोम वाला, 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट लॉन्च कर दिया जाए। स्टिल इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ग्लोबली मार्केट में 8GB 256GB वाला लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड है, 5000mAh की बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं Infinix की नोट सीरीज की तरफ। वैसे तो Infinix ने नोट सीरीज के अंदर 4-5 फोन लॉन्च किए हैं ग्लोबली मार्केट में। एक तो Infinix Note 30 आई है, दूसरा Infinix Note 30 है, तीसरा Infinix Note 30 5G है और चौथा Infinix Note 30 Pro है। हो सकता है कि भाई इससे कोई अपर वाला वेरिएंट भी हो, लेकिन पाकिस्तान में जो Note 30 Pro है ना, वो हो सकता है कि भाई किसी और नाम के साथ लॉन्च कर दिया जाए, जैसे रिसेंटली Infinix Note 12 VIP करके लॉन्च किया गया था। हो सकता है कि भाई इस बार Infinix Note 30 VIP करके इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाए। खैर, सबसे लोअर वेरिएंट की बात करते हैं जो कि है Infinix Note 30 i और ये पाकिस्तान में डेफिनेटली लॉन्च होगा। हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर 6.66 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले है, फुल HD की रेजोल्यूशन मिल जाती है, नोच के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, 64 मेगापिक्सल डुअल कैमरास दिए गए हैं, एंड्रॉइड 13 मिल जाएगा, मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोवाइड किया गया है, 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसके अलावा 5000mAh की बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। और ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में इजीली 45,000 से 50,000 की प्राइस में या फिर मैक्सिमम 52,000 की प्राइस में लॉन्च कर दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में नोट 30 5G नहीं आने वाला तो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। खैर, नोट 30 के बारे में बात करते हैं जो कि एक 4G वेरिएंट है और यह स्मार्टफोन भी बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। खैर, स्मार्टफोन की हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो भाई 6.78 इंचेस के एक आईपीएस पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, बैक पर 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास दिए जाते हैं, एंड्रॉइड 13 आता है, मीडियाटेक हीलियो G99 वाला चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा है। और पाकिस्तान में स्मार्टफोन के दो वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे, 8GB रैम 128GB की रोम, 8GB रैम 256GB की रोम। कोई एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन होगा या फिर नहीं, जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आएगा तभी आप लोगों को ये चीज क्लियर कर पाऊंगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो साइड माउंटेड होने वाला है, फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी है जिसके साथ 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट में अगर लॉन्च होता है तो स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो लगभग 60,000 के करीब हो सकती है, जो इस टाइम पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है। हो सकता है कि भाई इससे भी ज्यादा प्राइस में लॉन्च कर दिया जाए, स्टिल इसके बारे में
में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, प्राइस के हवाले से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। आइडिया लगाकर बता रहा हूं कि भाई इतनी प्राइस हो सकती है। इससे नेक्स्ट वाले मॉडल की बात करूं, ये है इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो। ये भी 4G वेरिएंट है, लेकिन हो सकता है कि भाई पाकिस्तान में स्मार्टफोन को इन्फिनिक्स नोट 30 VIP करके लॉन्च कर दिया जाए या फिर किसी और नाम से भी लॉन्च कर दिया जाएगा। एक और भी सीरीज आती थी इन्फिनिक्स की, जीरो सीरीज, अब वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। जीरो सीरीज की बजाय इन्होंने कोई और सीरीज निकाली है, उसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ना कोई नाम सामने आया है और ना ही कोई फोन अभी तक सामने आया है। खैर, नोट 30 प्रो के हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच के एक एमोलेड डिस्प्ले है, साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, सेंटर पंच होल के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अब यही सेम डिस्प्ले इन्फिनिक्स नोट 30 में प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप लोग को 120 हर्ट्ज तो मिल जाता है लेकिन IPS पैनल है, लेकिन इस स्मार्टफोन में आप लोगों को एमोलेड के साथ 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, बैक पर 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, एंड्रॉइड 13 मिल जाता है, MediaTek Helio G99 वाला चिपसेट मिलता है, यानी कि सेम चिपसेट लगाया गया है नोट 30 में भी और नोट 30 प्रो में भी, बाकी स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस है। इस स्मार्टफोन के भी पाकिस्तान में दो ही वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे, 8GB रैम 128GB की रोम, 8GB रैम 256GB की रोम। फर्दर स्मार्टफोन का कोई और वेरिएंट आता है स्टिल उसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साथ ही फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी के साथ 68W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि 68W की फास्ट चार्जिंग आप लोगों को मिलती है। मेरे ख्याल में ये स्मार्टफोन जो है वो 45 से 50 मिनट के अंदर 0-100 फुल हो जाएगा, शायद इससे भी कम वक्त के अंदर 0-100 फुल हो जाए। और अच्छी बात है कि भाई इस स्मार्टफोन में आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि है 15W की। सो भाई यही है इन्फिनिक्स के 5 फोन जो कि पाकिस्तान में बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं, और डेफिनेटली जब ये आएंगे तो अनबॉक्सिंग आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। और दूसरी बात, इन्फिनिक्स की जीरो सीरीज आया करती थी, अब जीरो सीरीज नहीं आया करेगी, और किसी और नाम के साथ वो फोन लॉन्च किए जाएंगे, वो नाम अभी तक सामने नहीं आया, जैसे ही आएगा तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। वैसे गाइस, आप लोग इनमें से इन्फिनिक्स के किस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग किस स्मार्टफोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।